अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरहत के साथ तमाम व्यूवर्स को मेरा अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुमान में खैर आफियत से रखे, कामयाब और कामरान करे ज़िंदगी और सेहत के साथ। आमीन। दुआओं के साथ शुरू करते हैं। आज बना रहे हैं बेहद मज़ेदार सा मटन पुलाव। तो यहाँ पर मटन हमने लिया है 1 केजी के करीब मटन लिया है, ठीक है। मटन जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, साफ़ कर लिया है मटन को। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है, अनियन, लहसुन की कलियाँ लिए हैं, अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4 से 8 अदद काली मिर्चें हैं, लौंग है, दालचीनी का टुकड़ा है, और साबुत धनिया है, सौंफ है, और ज़ीरा है, और 1 तेज़पात का पत्ता है। इस सबको डालकर पानी में हम इसका जो है वो स्टॉक यखनी तैयार करते हैं। जब ये गल जाएगा और स्टॉक तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसका जो है वो इसको छान लूँगी, स्टैंड कर लूँगी, और गोश्त उसमें से अलहदा कर लूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने पानी ले लिया है, ठीक है। इसमें मैं जो है वो मटन शामिल कर रही हूँ सबसे पहले, ठीक है। फिर इसके अंदर सारे वो स्पाइसेस शामिल करते हैं, ठीक है, और इसका स्टॉक तैयार करते हैं। इतनी देर में जो है वो हमने चावल हमने यहाँ बिरयानी के पुलाव के लिए हैं तो वो हमने 3 पाव के करीब लिए हैं। उन्हें हमने पानी में सोक करके रख दिया है, ठीक है, और जब तक हम अपने दूसरे स्पाइसेस रेडी करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अब ये सारे जितने भी मसाले हैं, वैसे तो लोग ज़्यादातर अमूमन पोटली बनाकर डालते हैं, मगर हम इसी तरह डालकर फिर इसको हम स्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। ये सब इसमें शामिल किया, इसको मिक्सअप करते हैं अच्छी तरह से, और इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ 1 बोतल और, ठीक है, और इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून फुल, ठीक है। सॉल्ट ऐड करते हैं, ये सब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें जो है वो 1.5 टीस्पून फुल सॉल्ट ऐड कर दिया। अब इसे मिक्स करके छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट में हमारा मटन अच्छी तरह से गल जाएगा, जब तक हम अपनी बाकी चीज़ें रेडी करते हैं। तो मज़ेदार सा जो है वो आज मटन पुलाव बनाते हैं। पुलाव का मसाला बनाने के लिए जो है यहाँ पर हमने 1 पाव के करीब योगर्ट लिया है फ्रेश। अच्छा, हमने 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं, 1 कटोरी हमने हरा धनिया लिया है, जिंजर गार्लिक का चॉप पेस्ट लिया है 4 खाने के चम्मच, 1 बड़ा खाने का चम्मच जो है वो हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच जो है वो हमने 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर लिया है, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, और हमने बादियान के 4 से 5 मतलब 1 फूल लिया है तकरीबन पूरा साबुत, और काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, हरी मिर्च, और 1 अदद जो है वो बड़े साइज़ का प्याज लिया है, और टमाटर लिए हैं हमने 4 अदद चॉप्ड कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। प्याज तकरीबन ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर जो है वो गर्म मसाले शामिल करते हैं। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करेंगे, बट वो लास्ट में शामिल करेंगे जब चावल इसके अंदर जो है वो यखनी के साथ डालेंगे तब, ठीक है। अब जो है वो इसको मसालों को जो है वो इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करते हैं तली हुई प्याज के साथ। अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करते हैं, ठीक है, इसे इसके साथ मिक्स करते हैं। मसाला तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इसके अंदर यखनी हमारी बन चुकी है, फिर उसका गोश्त शामिल करेंगे, ठीक है। तो अब जो है वो इसके अंदर ये स्पाइसेस शामिल कर रहे हैं, रेड चिली पाउडर और कुटी हुई मिर्चें, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे, ठीक है, इसको मिक्स करते हैं। फिर इसके अंदर टमाटर शामिल करते हैं, 4 अदद टमाटर लिए थे, उसे बारीक चॉप कर लिया था। फिर लास्ट में जो है वो इसमें योगर्ट शामिल करेंगे, 1 पाव योगर्ट लिया है। पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, इसका मसाला तैयार करते हैं, हरी मिर्ची शामिल की, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है, इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से, भूनते हैं, फिर दही शामिल करते हैं। जी अब दही शामिल करते हैं, मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ठीक है, दही को फेंट लिया था, अब इसी में 1-2 बूंद पानी के शामिल करके इसको अब मसाले को जो है वो हल्की आंच पे 5 मिनट का थोड़े से पकने देते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है वो मटन शामिल करेंगे, ठीक है, और फिर लास्ट में जो हम यखनी को छान लेंगे अपनी, वो स्टॉक और चावल शामिल करेंगे, और तो मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। स्टॉक को अलहदा कर लिया, यखनी के छान लिया है, ठीक है, मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है, ठीक है। अब जो है वो मसाला भी भुन गया है, अब इसके अंदर इस तरह से मैं साफ़ करके गोश्त शामिल करती हूँ, इसे मिक्स करते हैं, ठीक है। गोश्त को मिक्स करने के बाद जो है अब इसके अंदर जो है वो चावल शामिल करते हैं और फिर यखनी शामिल करते हैं, ठीक है, मज़ेदार सा जो है पुलाव रेडी करते हैं। जी हो गया है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब चावल शामिल करते हैं। चावल यहाँ बासमती लिए थे, कर्नल बासमती राइस,
पुलाव के, ठीक है। अब जी इसके अंदर यखनी शामिल कर रही हूँ, ठीक है। यखनी भी हिसाब से है, ठीक है, पूरी यखनी शामिल कर देंगे, ठीक है। अब इसमें मज़ीद मैं कोई और पानी शामिल नहीं करूँगी और सॉल्ट भी कम शामिल करेंगे क्योंकि यखनी में भी सॉल्ट है और मसाले में भी सॉल्ट है, ठीक है। तो मैं इसको चेक करके बस हाफ टी स्पून इसमें चम्मच शामिल करके इसको थोड़ा पकने देते हैं और फिर इसको दम करते हैं और फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये पुलाव डन हो गया है, इसे सर्व करते हैं। चावल देखें कितने खिले खिले बने हैं और परफेक्ट जो है अभी हमारा मज़ेदार सा जो है वो मटन पुलाव रेडी है। इसको डिश में सर्व करते हैं, ठीक है। इसे डिश आउट करते हैं। गोश्त भी हमारा परफेक्ट गल गया है और इसकी बहुत मज़ेदार खुशबूएं आ रही हैं। इसके साथ रायता डन किया है जी। ये मज़ेदार सा जो है वो हमारा देसी यखनी पुलाव रेडी है जो कि बेहद मज़ेदार बना है, लजीज। चावल भी खिले खिले बने, इसे सर्व कर लिया है। ये मज़ेदार सा देसी यखनी पुलाव रेडी है। रेसिपी बेहद आसान, कोई ईजी थी। रेसिपी पसंद आती है तो थम्स अप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें।